स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ एम्प्टिंग कोलोन। मेथड्स ऑफ एम्प्टिंग मतलब हम लोग हॉस्पिटल में क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट खुद से अपना कोलोन मतलब स्टूल नहीं पास कर पा रहा है, तो हम लोग क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेनली इस पीपीटी में हम लोग एनीमा और सपोजिटरीज के बारे में देखेंगे। मेनली तीन मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल। पहला इज़ एनीमा, उसके बाद इज़ रेक्टल सपोजिटरी, उसके बाद इज़ कोलोस्टमी। सो इस लेक्चर में ओनली एनीमा एंड रेक्टल सपोजिटरी और अनदर लेक्चर में कोलोस्टमी। सी, इसमें डेफिनेशन ऑफ एनीमा इज़ गिवन। उसका मतलब क्या है कि हम लोग इस प्रोसेस में क्या करते हैं, या तो लिक्विड या तो गैस को हम लोग रेक्टम में इंजेक्ट करते हैं सो दैट जो स्टूल मैटर है वो बाहर आ सके। ठीक है, इसमें हम लोग लिक्विड गैस के साथ में कभी कभी एंटी हेलमेंथिक ड्रग, एंटी हेलमेंथिक मतलब जो कीड़ों की दवाई होती है वो कॉम्बिनेशन भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, अनदर डेफिनेशन में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जब हम लोग रेक्टम में फ्लूड इंजेक्ट करते हैं दैट इन द लोअर बाउल में दैट इज कॉल्ड एनीमा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टू द लोअर बाउल बाई द वे ऑफ द रेक्टम, फ्रॉम रेक्टम के थ्रू में नीचे से ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एनीमा। एनीमा क्यों दिया जाता है या फिर कब कब दिया जाता है? पहला है कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए हम लोग दे सकते हैं। प्लस अगर हम पेशेंट किसी प्रोसीजर या ऑपरेशन के लिए, जब हमने पेशेंट को एनबीएम रखने के लिए बोला है ना, उसमें हमको चाहिए कि पेशेंट का बाउल पूरा एम्प्टी हो, तो उस प्रोसीजर या सर्जरी के पहले हम लोग एनीमा दे सकते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक ड्रग एडमिनिस्टर करना है लोअर बाउल में, या फिर जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स देना है, तो उस लिए भी एनीमा दिया जा सकता है। प्लस अगर गैशियस डिस्टेंशन है, अगर पेशेंट के एब्डोमेन में गैस एक्सेसिव अमाउंट में भर गई है, तो उसको रिलीव करने के लिए भी बहुत बार एनीमा दिया जा। अब हम लोग इसमें देखेंगे टू टाइप्स के एनीमा। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनीमा, वन इज इवैक्यूएंट एनीमा एंड वन अदर इज रिटेन्ड एनीमा। इवैक्यूएंट मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो अंदर का कंटेंट है वो बाहर आ जाए, ठीक है, इवैक्यूएट करना। तो एनीमा के साथ हम लोग चाहते हैं कि फीकल मैटर या जो गैसेज हैं अंदर वो बाहर की तरफ आ जाए। ठीक है, और रिटेन्ड एनीमा मतलब हम लोग एनीमा देते हैं लाइक जो लिक्विड या गैस देते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो रेक्टम में कुछ टाइम पीरियड तक रहे। इसमें हो सकता है कि हम लोग शायद कुछ न्यूट्रिशन दे रहे हैं या फिर सेडेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइम तक हम चाहते हैं कि पेशेंट के रेक्टम में रुके, इसके लिए उसको बोलते हैं रिटेन्ड एनीमा। ओके, तो कौन से दो टाइप हैं यहाँ पे? वन इज़ इवैक्यूएंट एनीमा, जैसे हमने पेशेंट को दिया, हम चाहते हैं एनीमा के प्रोडक्ट के साथ में अंदर का जो कंटेंट है मेनली फीकल मैटर या फिर गैस वो सब बाहर आ जाए। बट रिटेन्ड एनीमा क्या है, हम चाहते हैं कि वो पेशेंट के रेक्टम में कुछ टाइम तक रहे, वो हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं। ठीक है, रिटेन मतलब रुकना इन बॉडी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। अब इवैक्यूएंट एनीमा के बारे में, जैसे मैंने पहले बोला था, इट इज़ स्पेशली डिजाइंड टू प्रमोट द बाउल टू एक्सपेल फीकल मैटर ऑफ योर फ्लेटस। फ्लेटस क्या है? गैस। ठीक है, टुगेदर विद द कंटेंट ऑफ द एनीमा। इसमें क्या होगा, जैसे हमने एनीमा दिया तो जो एनीमा का कंटेंट था लिक्विड या गैस, उसके साथ में स्टूल या फिर जो गैस है दैट इज़ कॉल्ड फ्लेटस बेसिकली, वो बाहर आने का हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, एनीमा जो है वो मेनली थ्री टाइप्स में अवेलेबल है। फर्स्ट इज सिंपल, देन मेडिकेटेड एंड उसके बाद कोल्ड। हम देखेंगे इन डिटेल में क्या है हर चीज़। इवैक्यूएंट एनीमा ज़्यादातर क्यों यूज़ होता है? मेनली फीकल मैटर और गैस निकालने के लिए फ्रॉम दी बावल। ज़्यादातर ये कुछ भी अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सर्जरी है या फिर अगर चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, लेबर में है मम्मी, तो उसके पहले भी सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा यूज़ किया जाता है। नाउ इसमें ज़्यादातर क्या सोल्यूशन यूज़ किया जाता है? मेनली सोप वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन। ओके, नाउ इसका क्वांटिटी क्या है? फॉर अडल्ट 500 to 1000 ml, फॉर चिल्ड्रन 250 to 500 ml, एंड फॉर इन्फेंट इट इज़ लेस देन 250 ml। ओके, मेडिकेटेड। नाउ मेडिकेटेड से नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ मेडिसिन है, फॉर सम थेरापीटिक पर्पज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा ये ज़्यादातर है जब हम लोग को मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है थ्रू रेक्टम। तो इसके अनदर फाइव क्लासिफिकेशन है। पहला इज़ ऑयल एनीमा, देन इज़ एस्ट्रीजेंट, देन इज़ पर्गेटिव, देन इज़ एंटी हेलमेंथिक एंड देन इज़ कार्बिनेटिव। एनीमा क्या है? ऑयल एनीमा मेनली जो अपना फीकल मैटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को मेनली रिलीव करने के लिए दिया जाता है, दैट इज़ मेनली ऑयल एनीमा।
नेक्स्ट इज एस्ट्रिजन एनीमा. नाउ एस्ट्रिजन एनीमा मेनली अगर हमारे इंटेस्टाइन इज नॉट इंटेस्टाइन हमारे रेक्टल रीजन में कुछ ब्लीडिंग है या फिर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर एस्ट्रिजन एनीमा दिया जाता है. उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है डिसेंट्री में ज़्यादातर 2% सिल्वर नाइट्रेट साथ में टैनिक एसिड या फिर एलम सोल्यूशन यूज़ किया जा सकता है एज एन एस्ट्रिजन एनीमा. पर्गेटिव एनीमा. पर्गेटिव मेनली क्या है, हम लोग जो बाउल का है उसका पेरिस्टाइलिस इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पर्गेटिव्स में. ना पर्गेटिव एनीमा में ज़्यादातर ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है. ओके एंड नेक्स्ट इज एंटी हेलमेंथिक. एंटी हेलमेंथिक मतलब हम वर्म इन्फेस्टेशन होता है तो उसको मेनली वो उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर वर्म्स को किल करने के लिए एंटी हेलमेंथिक एनीमा दिया जाता है. तो इसका एग्जांपल इज सोप वाटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर हाइपरटोनिक सलाइन. देखो हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ा था व्हाट इज हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक. सो नाउ हाइपरटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन किससे ज़्यादा है, 0.9 NS, है ना, 0.9 से ज़्यादा है सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन. तो वैसा वाला नॉर्मल सलाइन 3%, 4%, 5% कुछ भी हाई कॉन्सेंट्रेशन का नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जा सकता है. कार्बोनेटिव एनीमा मतलब कार्बोनेटिव मेनली हम वर्ड्स ना गैसेस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है. तो ना ज़्यादातर इस एनीमा को ना एंटी स्पैजमोडिक एनीमा भी बोलते हैं. बहुत बार हमारे एब्डोमेन में अगर गैस एक्यूमुलेट हो गई है तो हमें ना ट्विस्टिंग और ट्विचिंग मूवमेंट होती है जिसकी वजह से बहुत बार एब्डोमिनल पेन हो सकता है. तो उसके लिए हम लोग कार्बोनेटिव एनीमा दे सकते हैं. इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, सरफीडिया एंड सोप वाटर या फिर टर्पेंटीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं कार्बोनेटिव एनीमा के. कोल्ड इवैक्यूएंट एनीमा. नाउ कोल्ड इवैक्यूएंट मतलब कि ठंडा. ये ज़्यादातर जब पेशेंट का टेम्परेचर बहुत हाई है हम लोग यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू रिड्यूस टेम्परेचर. अगर हमें बहुत नेसेसिटी है तो कोल्ड एनीमा या भी यूज़ किया जा सकता है. ओके सो दैट टेम्परेचर विल बी डिसाइडेड कि व्हाट कोल्ड टेम्परेचर हैज़ टू बी गिवन. नेक्स्ट हमने देखा था दैट इज़ रिटेन्ड एनीमा. नाउ रिटेन्ड एनीमा जैसे नाम से पता चलता है रिटेन मतलब कि ऐसा एनीमा जो हम चाहते हैं कि रेक्टम और सेगमॉइड कॉलोन में कुछ देर तक रहे. एनीमा भी मेनली 5 types के अवेलेबल हैं. फर्स्ट इज स्टिमुलेंट, देन इज सेडेटिव, उसके बाद इमोलिएंट, देन इज एनेस्थेटिक, उसके बाद इज न्यूट्रिएंट. हम इन दिस टेबल हम हर एनीमा का टाइप दिया है उसके यूजेस एंड सॉल्यूशंस दिखाएं. वी विल गो वन बाय वन. फर्स्ट इज स्टिमुलेंट एनीमा. स्टिमुलेंट से मतलब हम लोग कुछ स्टिमुलेट करना चाहते हैं ना. तो ये मेनली ज़्यादा अगर पेशेंट शॉक में है, कोलैप्स हो गया, लाइक बेहोश हो गया, वी वांट टू स्टिमुलेट द पेशेंट. या फिर अगर कोई पॉइजनिंग का केस है तो हम लोग उनका पेरिस्टाइल से स्टिमुलेट करना चाहते हैं ताकि जो भी कुछ पॉइजनस सब्सटेंस इंटेस्टाइन में है वो बाहर निकल के आ जाए. ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादातर क्या क्या यूज़ किया जाता है, ब्लैक कॉफ़ी, ब्रांडी 300 ml विद वाटर या फिर टीस्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर, ये सब एग्जांपल हैं जो एज इन स्टिमुलेंट एनीमा यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट इज सेडेटिव एनीमा. जैसे नाम से पता चलता है हम लोग पेशेंट को सेडेट करना चाहते हैं, पेशेंट को सुलाना चाहते हैं. ठीक है, तो इसके लिए मेनली क्या क्या यूज़ किया जाता है, पैराल्डिहाइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड. नेक्स्ट इज इमोलिएंट एनीमा. ना इमोलिएंट वर्ड हमने पहले भी पंचबाथ के टाइम पे यूज़ किया था. इमोलिएंट क्या है, सम मॉइस्चर या फिर ग्लिसरीन समथिंग जो हमारे स्किन को सॉफ्ट करे. सिमिलरली यहाँ भी इमोलिएंट एनीमा मेनली स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है. तो इसमें मेनली क्या यूज़ करते हैं, ऑयल बेस्ड फ्लूइड यूज़ किया जाता है ज़्यादातर 250 ml. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज़ एनेस्थेटिक एनीमा. एनेस्थेटिक मतलब हमें पेशेंट में एनेस्थीशिया मतलब हम लोग थोड़ी देर के लिए पेशेंट को एनेस्थीशिया इफेक्ट देना चाहते हैं फॉर माइट बी सम प्रोसीजर या फिर हम लोग कुछ स्कोपी करने वाले हैं उसके लिए. ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल इज़ एवर्टिन एनीमा, दैट इज़ 150 to 300 mg/kg. नाउ 150 to 300 mg/kg अगर कोई अडल्ट पेशेंट है 50 kg का तो 300 into 50 जितना भी आएगा दैट मच mg वी हैव टू गिव. ज़्यादातर ये आप लोग प्रोक्टोस्कोपी जो हमने बोला कुछ स्कोप देख के विजुअलाइज करते हैं उसके पहले ज़्यादातर ये एनेस्थेटिक एनीमा दिया जा सकता है टू रिड्यूस द पेन ऑफ इन द रेक्टम एंड द सिग्मॉइड कोलन. नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट एनीमा. दिस ये बहुत रेयरली हम लोग देखेंगे, बहुत पहले यूज़ किया जाता था. इसमें हम लोग क्या है, इसमें हमारा पर्पस क्या है, ज़्यादातर वी वांट टू एडमिनिस्टर सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अगर पेशेंट नहीं खा पा रहा है ऊपर से मतलब मुंह से नहीं खा रहा है. तो नाउ ये एक टाइप है जो पहले यूज़ किया जाता था बट एज ऑफ नाउ वी डू नॉट सी एनी कि हम लोग फॉर न्यूट्रिशन वी आर गिविंग एनीमा. ओके, बट दिस इज़
वन ऑफ द टाइप, सो यू शुड नो कि ऐसा भी देर इज समथिंग विच वॉज प्रैक्टिस्ड. देखेंगे एनीमा के टाइम पे मोस्टली क्या क्या आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं. नाउ फॉर एनीमा नॉर्मली एक कैथेटर हमें चाहिए डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का साइज़, फिर एक लुब्रिकेंट, ज़्यादातर ज़ाइलोकेन जेली यूज़ की जाती है, देन सेलेक्टेड सोल्यूशन. नाउ डिपेंडिंग अपॉन क्या है पर्पज़ क्या है एनीमा का, वी विल सेलेक्ट द सोल्यूशन और वो सोल्यूशन हम लोग सेलेक्ट करेंगे. देन इज़ वी गिव लेफ्ट लैटरल पोजिशन टू द पेशेंट. ठीक है, सी एक्चुअली प्रोसीजर हम लोग लैब में वी विल बी सीइंग द प्रोसीजर. सो एज ऑफ नाउ आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि क्या क्या बेसिकली यूज़ हो सकता है. बट नाउ लेफ्ट लैटरल पोजिशन, नाउ माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज वाई लेफ्ट लैटरल पोजिशन इज यूज फॉर गिविंग एनीमा. सो टुमारो वेन वी विल टेक क्लास आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, देखने वाले हैं अभी रेक्टल सपोजिटरीज के बारे में. नाउ इससे पहले हमने देखा एनीमा, तो एनीमा में हम लोग जो भी दे रहे थे दैट वाज जो भी हम लोग पेशेंट के रेक्टम या सिग्मॉइड कोलन में इंसर्ट कर रहे थे वो लिक्विड फॉर्म में था, है ना. नाउ सपोजिटरी क्या है, विच इज़ समथिंग इन सॉलिड डोज. ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है छोटा सा, उसमें आप देख सकते हो एक ऑफ कलर का एक कैप्सूल जैसा है और लाइक अ बुलेट है. ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1 inch का होगा. नाउ वो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस में होगा, ग्लिसरीन सपोजिटरी हो सकती है, मेडिकेटेड सपोजिटरी हो सकती है, दैट कैन बी डिफरेंट ना. ये दिखता कैसा है यू शुड नो, समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड सपोजिटरी. ठीक है, मेनली क्या है, हम किसी भी चीज़ का जब हम सॉलिड डोज पेशेंट के रेक्टम में इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से वो थोड़े देर के बाद में वो डिजॉल्व हो जाती है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी वजह से लोकल या फिर सिस्टमिक इफेक्ट आता है बॉडी में. ज़्यादातर सपोजिटरी का इफेक्ट आने के लिए 15 से 60 मिनट तक लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी डोज एंड टाइप ऑफ सपोजिटरी. ओके, बहुत कॉमनली जो सपोजिटरी यूज़ की जाती है वो है ग्लिसरीन सपोजिटरी. ठीक है, नाउ ग्लिसरीन सपोजिटरी एक्चुअली हाइपरसोनेट लैक्सेटिव क्लासिफिकेशन में आती है. एज ऑफ नाउ जस्ट नोइंग हाइपरसोनेट लैक्सेटिव विल बी इनफ, जब आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ोगे देन यू विल लर्न इन डिटेल. ठीक है, तो नाउ ज़्यादातर ग्लिसरीन सपोजिटरी हम लोग कॉन्स्टिपेशन या फिर हेमोरॉइड्स में क्या होता है, पेनफुल डेफिकेशन भी होता है ना, जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो बहुत बार ब्लीडिंग होने लगती है, अगर हार्ड स्टूल होगा तो वो ब्लीडिंग बढ़ सकती है, तो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए ज़्यादातर ग्लिसरीन सपोजिटरी का यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ इन दिस पिक्चर ये जस्ट टू शो यू कि हाउ वी कैन इंसर्ट दी सपोजिटरी. ठीक है, या तो पेशेंट का हम लोग पाँव ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, या तो फिर हम पेशेंट को सिम्स पोजीशन दे सकते हैं या फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन दे सकते हैं. मेन पर्पस इज द एनल स्पिंटर शुड बी विजुअलाइज्ड. फिर सपोजिटरी को हम लोग लुब्रिकेट करेंगे, ज़ाइलोकिन जेली से कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन से कर सकते हैं, एंड हम लोग अपना इंडेक्स फिंगर यूज़ करेंगे टू इंसर्ट इट, पुश इट इन टू द रेक्टम. ठीक है, उसके बाद में पेशेंट को थोड़ी देर तक उसी पोजीशन में मेंटेन करने के लिए बोलेंगे सो दैट वो डिसलॉज ना हो जाए, कभी बाहर ना आ जाए. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द प्रोसीजर इज़ बीइंग डन. हम लोग ये प्रोसीजर एक्चुअली देखेंगे, आई जस्ट वांटेड यू टू हैव अ फेयर पिक्चर कि ये कैसी सपोजिटरी दिखती है एंड हाउ वी आर इंसर्टिंग इट. ओके, दैट्स इट, थैंक यू.